अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल को फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट पॉइंट 2 एंड 4। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कर्वेचर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर से कर्वेचर को किस तरह फाइंड किया जाता है। तो उसके फार्मूले हमने जनरेट किए थे, उनको हमने अल्फा एंड बीटा से नोट किया था। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्केयर, और नीचे सेकंड डेरिवेटिव अपॉन डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के। और इसी तरह हमने बीटा का फार्मूला वहाँ से जनरेट किया था, y प्लस यहाँ पर डी वाई और डी एक्स नहीं आएगा, 1 प्लस डी वाई डी एक्स इसका स्केयर और अपॉन डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ये हमने अल्फा और बीटा के फार्मूले फाइंड किए थे। इन अल्फा और बीटा के फार्मूले में से अल्फा और बीटा ही फाइंड करेंगे, और जो अल्फा बीटा आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ जाएगा। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसका जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये कुछ वैल्यू इस तरह आ जाएगी हमारे पास। वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट 8x की पावर 1/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई डिवाइडेड डी एक्स ये कॉन्स्टेंट है, पावर शुरू में इसमें एक ही क्या कर देंगे कमी। तो डी वाई डिवाइडेड डी एक्स इज इक्वल टू 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, और ये अपॉन में x की पावर 1/2 जो नेगेटिव थी नीचे आ गए पॉजिटिव हो गए, इसको स्केयर रूट में लिख दिया। ये और ये कट जाएंगे तो बाकी जो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये। अब साथ ही हम इसके पॉइंट भी पुट कर देते हैं, एड पॉइंट हमारे पास 2 एंड 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर y का पॉइंट नहीं है, x का पॉइंट जो 2 है वो यहाँ पर इस x की जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो -1। हम इसी तरह अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई डिवाइडेड डी एक्स स्केयर इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में इसमें क्या कर देंगे एक ही कमी, तो ये 3/2, तो ये हमारे पास √2 / x^-3/2। और इसमें भी हम एड पॉइंट क्या पुट करते हैं 2 4, तो ये √2 / x^2 पुट कर देंगे, इसकी पावर 3/2। अब अगर ये हमारे पास -√2 / 2 और ये बटे में आ गया 2^3/2, और यहाँ से -√2 2 डॉट इसको 2^√2 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये और ये आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, बाकी हमारे पास जो इसका रिजल्ट सेकंड डेरिवेटिव का क्या आ गया है -1/4 आ गया। अब हमारे पास इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाला रिजल्ट सेंटर वाला, उसके बाद इसी फार्मूले में जाके पुट कर देंगे। तो 1 + dy / dx इसका क्या है स्क्वेयर, और डिवाइडेड डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, यहाँ से 1 + फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई 1 का स्केयर 1 ही होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है -1/4, तो ये 2 - 1/4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है -8। अब हम इन पॉइंट्स को अल्फा और बीटा के फार्मूले में जाके पुट करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो अल्फा का फार्मूला है वो है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट में है, वो हम 2 पुट कर देते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 1 था, 1 + डी वाई ओवर डी एक्स, और ये होल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी -8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 8 = 10, और इसी तरह
अगर हम बीटा का फार्मूला यहां पर लें तो बीटा का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह था कि बीटा इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस डी वाई डिवाइडेड डी एक्स इसका स्केयर और बटे में जो वैल्यू थी वो सेकंड डेरिवेटिव था। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है पॉइंट में वो फोर है और ये हमने जो रिजल्ट फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था माइनस एट और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस फोर। तो हमने यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 और माइनस 4 यानी ये अल्फा की वैल्यू ये क्या है बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थैंक यू।